सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा पांचवी के ई लर्निंग हिंदी के रिमझिम के कक्षा में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आज थोड़ी बहुत पुनर्चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि परीक्षा आपके सिरहाने हैं और इस वजह से अगर थोड़ी सी पुनर्चर्चा कर ली जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम चैप्टर वन की पुनर्चर्चा करने वाले हैं। चैप्टर वन में हमने क्या पढ़ा था? राख की रस्सी पढ़ा था। राख की रस्सी की कहानी थोड़ा जस्ट बता देते हैं आप लोगों को। यहाँ पे लोनपो गार की कहानी बताई गई थी, जो कि तिब्बत के 32वें राजा सोनकवसेन गांपो के मंत्री थे, ठीक है। और क्या है कि वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए बहुत मशहूर थे, लेकिन इसके विपरीत उनका बेटा बहुत सीधा साधा निकलता है और वो इन सब मामलों में उतना, क्या बोले आप लोगों को, इतना चालाक इस प्रकार का नहीं हो पाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो मतलब लोनपो कार के को अपने बेटे के लिए बहुत चिंता होती है और इस वजह से वो अपने बेटे को जो है एक दिन शहर भेजता है, 100 अपने भेड़ों के साथ भेजता है, 100 भेड़ देता है और कहता है कि तुम इनको लेकर शहर जाओ, इन्हें मारना भी नहीं, बेचना भी नहीं और वापस इनके बदले में 100 जौ के बोरे लेकर आना। अब बेटा पिता की बात सुनकर शहर चला जाता है, लेकिन एक चिंता उसको खाई जाती है कि मैं शहर चला तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं किस प्रकार से जो है इनके बदले में भेड़ों जौ के बोरे लाऊंगा, क्योंकि जो है कि हम जानते हैं कि बिना पैसे से तो कुछ मुमकिन नहीं है, उनको बेच भी नहीं सकता है, मार भी नहीं सकता है, उसके पास पैसे भी नहीं है, तो भेड़ों के बदले जौ के बोरे भले कैसे आएंगे। बहुत चिंता में पड़ जाता है। तब एक लड़की उसकी मदद के लिए आती है और वो लड़की उसको कहती है कि तुम जो है भेड़ों के जो है क्या करो कि बाल इसके निकाल लो, इसके शरीर के ऊपर जो भी इसके जो फर हैं इनके फरों को हम उतार देते हैं और इसके फलस्वरूप क्या होगा कि जो है उनको तुम बेच करके, क्योंकि भेड़ों के बाल से स्वेटर वगैरह बनते हैं, वो तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, तो उसके बदले में तुम क्या कर सकते हो, उसके बदले में तुम जो है जौ के 100 बोरे खरीद के अपने पिता को खुश कर सकते हो। तो उसको ये आइडिया बहुत भाता है, वो ऐसा ही करता है। उसके बाद वो घर वापस आता है तो उसके पिता उससे खुश नहीं होते। दूसरी बार फिर से उसके पिता उसको शहर भेजते हैं और बोलते हैं कि मुझे इनके भेड़ों के बाल उतारने वाली बात मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आई थी, तुम दोबारा उनको ले करके जाओ और फिर से 100 जौ के बोरे खरीद कर लाओ, फिर भेज देता है। अब दूसरी बार वो जाता है, अब लड़की का कोई अता पता तो उसको होता नहीं है, वो मन ही मन सोचता है कि वो लड़की मुझे भला वापस कैसे मिलेगी, कैसे मेरी उस लड़की से दोबारा से मुलाकात होगी। इसी उधेड़ बुन में वो पड़ा रहता है तो वो लड़की कहीं से आ जाती है, उसकी मदद करती है और इस बार वो क्या करती है, लड़की भेड़ों के एक एक सींग काट देती है और सींग काट कर उससे जो है जौ के 100 बोरे खरीद कर देती है और वो बहुत ही खुश होकर घर वापस आने लगता है। जब वो घर वापस आता है तब वो सोचता है कि मेरे पिताजी तो मुझसे बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इस बार भेड़ के बाल भी नहीं उतारे और मैंने अपनी बुद्धिमानी से जो ये कार्य किया है इसको मेरे पिताजी बहुत सराहेंगे। लेकिन उल्टा होता है, इस बार भी उसके पिताजी उससे दुखी होते हैं, अपसेट होते हैं और उसको कहते हैं कि तुम उस लड़की से मुझको मिलवाओ और कहते हैं कि ये जो लड़की है इस लड़की को एक चैलेंज दो मेरी तरफ से कि वो एक 9 हाथ लंबी राख की रस्सी मुझको बना करके दे। तो वो जाता है लड़की के पास और लड़की को अपने पिता की दी हुई इस अटपटी सी शर्त को सुनाता है कि मेरे पिताजी तुमसे मिलना चाहते हैं और जो है उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है कि तुम जो है 9 हाथ लंबी राख की रस्सी मेरे पिता को बना कर।
तो वो भी पलटवार करती है, वो कहती है ठीक है तो तुम भी अपने पिताजी को मेरी एक शर्त देना कि मैं 9 हाथ लंबी राख की रस्सी तो बना दूंगी, लेकिन तुम्हारे पिता को उस रस्सी को अपने गले में धारण करना पड़ेगा, उसको पहनना पड़ेगा। तो ये बात सुनकर लड़का थोड़ा चौंकता है, लेकिन वो बहुत सीधा साधा था, वो ज़्यादा इस बारे में सोच विचार नहीं करता है, सीधा अपने पिता के पास चला जाता है और बोलता है पिताजी ऐसी ऐसी बात है। तो उसके पिताजी थोड़ी चिंता करते हैं, फिर उसके पिताजी को लगता है अरे भाई राख की रस्सी तो बनने से रही, भला राख की कोई रस्सी बनती है, तो राख की रस्सी बनेगी भी नहीं और ना उसको मुझे गले में पहननी पड़ेगी, तो फिर मुझे काहे की चिंता। तो वो उसकी शर्त मान लेती है। अब लड़की सही में आती है, एक पत्थर की सिल पर एक रस्सी को रखती है और 9 हाथ लंबी रस्सी को रखती है और रख करके उसको जला देती है। जैसे ही वो रस्सी जल जाती है तो रस्सी के आकार की राख बच जाती है। तो वो लोन पोगार से कहती है अब आप इसको पहनिए, मैंने तो राख की रस्सी बनाने बोला था, राख की ही ये रस्सी बनी हुई है, अब आप इसको पहन लीजिए। तो लोन पोगार बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि मेरे सीधे साधे बच्चे को अगर कोई संभाल सकता है, मेरे बेटे को अगर सही तरह से दुनियादारी की कोई समझ दे सकता है, तो वो इस लड़की से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता है। इस वजह से वो उस लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करवा देते हैं और बहुत धूमधाम होती है उसमें, और इस प्रकार से कहानी समाप्त होती है। तो इनमें से जितने पॉइंट्स आप लोगों को मिले हैं, आप लोगों ने अगर वीडियो अच्छे से देख लिया है जो आप लोगों के वेबसाइट में अपलोडेड हैं, आप जानते हैं आपको MCQ क्वेश्चंस आएंगे, तो किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आप आइडिया कर सकते हैं। जो भी मैंने तथ्य बताया आप लोगों को, इन तथ्यों में से अगर आप कुछ कुछ पॉइंट्स को लेकर के उनके ऑप्शंस के साथ सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि मतलब लड़की ने राख की रस्सी कितने हाथ लंबी बनाए, 5, 6, 7, 8, 9, तो आप बोल दिए 9 हाथ, इस प्रकार से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ आज की पुनर्चर्चा यही समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद।